केन नदी की आर्थिक अस्वच्छता का लिया संकल्प। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा शहर की केन नदी का है, जहां प्रत्येक मंगलवार को विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आरती की जाती है। वहीं जल संरक्षण और नदी की साफ सफाई का जोर दिया गया। वहीं गौ रक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने कहा कि गौ रक्षा प्रकोष्ठ वर्षों से स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु अनवरत रूप से जन जागरूकता लाने का कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से गौ रक्षा प्रकोष्ठ प्रत्येक मंगलवार को आरती करके जीवनदायिनी के नदी के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए कोविड 19 टीकाकरण अवश्य कराएं और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर से हाथ धुलते रहें। कार्यक्रम में पुष्पा कोटार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार त्रिपाठी, जिला मंत्री राहुल राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी मितेश कुमार, नगर मीडिया प्रभारी रजनीश प्रजापति, बडोखर ब्लॉक मंत्री सत्यम मिश्रा, आदित्य साहू, भरत बाबू गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार गुप्ता। मैं गौ रक्षा प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, और यहाँ आरती का कार्यक्रम हर प्रति मंगलवार को चल रहा है, जिसमें सभी लोग वृद्ध और जितने यहाँ के घूमने वाले हैं सभी लोग आते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ की सफाई, गंगा की सफाई हुआ, वो जो है पानी का जो प्रदूषण हो रहा है उसे रोकने के उद्देश्य ये की जा रही है। इसे श्री हीरा लाल जी ने शुरू किया था और वो बीच में उनका ट्रांसफर, चूँकि वो एक शासकीय कर्मचारी थे, उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद श्री महेश कुमार प्रजापति जी गौ रक्षा के अध्यक्ष जो है, उन्होंने जो है इस बात को चालू किया है और प्रति मंगलवार को याद। शिवलाल शर्मा, जिला रिपोर्टर बांदा। फरुखाबाद से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहां वर्चस्व को लेकर दो गुट भिड़े आपस में। दो गुटों के विवाद में हुए सरेराह फायरिंग। शहर प्राइवेट बस अड्डे पर फायरिंग से मचा हड़कंप। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली, युवक हुआ घायल। दोनों गुटों का वर्चस्व को लेकर एक दिन पहले भी हुआ था विवाद। हमलावर युवक को पुलिस ने दबोचा। घटना में शामिल तीन युवक हुए मौके से फरार। घायल युवक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली सदर क्षेत्र के कादरी गेट का मामला। एक 22 वर्षीय युवक है अमन शुक्ला, जो कि थाना फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका एक ग्रुप से क्षेत्र झगड़ा हुआ है, जिसमें उसको गोली मारी गई है, जैसा उसने बताया है। और जिसको उसने बताया इसमें गोली मारी, उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अभी उसको उपचार हेतु अदकिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फर्दर उसके परिजनों से तहरीर लेकर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, दोनों गुटों में दिन में भी आवाज विकास में झगड़ा हुआ था, उस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई? अगर जानकारी पुलिस को दी गई होती तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होता। जैसा कि अब उसके फादर आ गए और जो भी तहरीर दी जाएगी उसके मुताबिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने हमलावर सामने आए? अभी तो तीन लोगों के बारे में बताया लड़के ने। अभी फर्दर अभी जो जांच है वो जारी है। अभी एक को हिरासत में लिया गया और जो भी है जो उसने बताया उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। थैंक यू।